हाय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग माय चैनल ऑसम ब्लॉसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं, उसी की सैलेड की रेसिपी है ये। तो चलिए कुछ शकरकंद के बारे में बात भी कर लेते हैं। अब विंटर्स में तो शकरकंदी खाना लोगों को बहुत पसंद होता है। जगह जगह पर आपको गर्म और मसालेदार शकरकंद बेचने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हॉकर्स में बहुत ही टेस्टी इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और मसाले मिलाते हैं, तो आज हम भी ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं, साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बताती जाती हूँ। शकरकंद में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी काफ़ी होता है और ये आलू से ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए डायबिटीज़ में भी इसे खा सकते हैं। शकरकंद में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। फाइबर से भरपूर शकरकंद खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। तो इंग्रेडिएंट्स पे भी चलते हैं इसमें। इसके लिए ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चम्मच या तो ओलिव ऑयल या फिर मैंने यहाँ पर घी लिया है थोड़ा सा ड्रेसिंग के लिए। जीरा पाउडर लिया है एक चम्मच, दो चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस और खट्टी मीठी इमली और खजूर की चटनी, काली मिर्च, काला नमक और शकरकंदी एक बाउल इसमें मिक्स कर देते हैं। फिर मैंने इसमें रेड और येलो बेल पेपर, शिमला मिर्च और हरा धनिया ढेर सारा, वो भी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट और न्यूट्रिटिव जो इन्ग्रीडियंट हैं, जो कि फेनिग्रिक स्प्राउट्स जो हैं, मतलब मेथी दाना के स्प्राउट्स, वो मैंने इसमें डाले हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं अगर इस सैलेड के बारे में बताना चाहूँ कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी बहुत सरप्राइज़ हो जाओगे। जैसा कि आपको पता होगा कि शकरकंद आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इससे आँखों की रोशनी भी बहुत अच्छी रहती है। तो अपनी डाइट में शकरकंदी को ज़रूर शामिल करें। और हाँ, इसमें मैंने ऊपर से थोड़े से रोस्टेड तिल भी डाल दिए हैं, जिससे कि इसकी पौष्टिकता और भी बनी रहे। शकरकंदी खाने से दिल की बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और सबसे बड़ी बात कि शकरकंद अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो शकरकंद ज़रूर खानी चाहिए, इससे हाई ब्लड प्रेशर से बचा भी जा सकता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जिससे कि शरीर को एनर्जी मिलती है। और शकरकंदी खाने से इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत होती है। आयरन अच्छी मात्रा में होने से ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है। तो ये तो हैं सिर्फ शकरकंदी के फ़ायदे। और आप देखिए ना कि इसमें मेथी दाना के स्प्राउट्स हैं, जिसकी बेनिफिट्स के बारे में तो मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको नटशेल में बताती हूँ। मेथी दाना स्प्राउट्स एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, वेट लॉस में बहुत मदद करते हैं। इनमें हर तरीके के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। तो इतने बेनिफिट्स देने वाली इस न्यूट्रिशियस सैलेड को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी से, और जुड़े रहिए ऑसम ब्लॉसम चैनल से। Bye-bye.